पेट्रोल 18.5 रुपए, डीजल 40.54 रुपए सस्ता, पेट्रोल 230.24 रुपए, डीजल 236 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 196.45 रुपए लीटर मुकर्रर, लाइट डीजल 34.71 रुपए कमी से 191.44 रुपए लीटर हो गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम में कमी का ऐलान कर दिया, कहते हैं कि आइंदा भी आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी हुई तो कौम को फायदा देंगे। IMF से मुआहदा हो चुका, खुदा करे ये हमारा आखिरी मुआहदा हो। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा, गैस नरखों में इजाफे की समरी काबीना में पेश की जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 335% तक महंगी करने की तजवीज, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी गैस नरखों में इजाफे का इम्कान। इदारे उंगली पकड़कर चलाएं तब तक अच्छे थे, जब आइन का साथ देने का फैसला किया तो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। मरियम नवाज के इमरान खान पर तनकीद, कहती हैं अदालती फैसले न फितने खान के साजिशी बयानियों को उड़ा दिया, ये पहला सियासतदान है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन करार दिया, आइन शिकनों पर गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए। इमरान खान अपने बयानियों पर अड़ गए, कहते हैं कि खुफिया मरासला चीफ जस्टिस को इंक्वायरी के लिए भिजवाया, खत काबीना पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी रखा, इससे ज्यादा क्या कर सकता था। अदालत ने जो कुछ कहा उस पर बहुत तकलीफ हुई, 3 माह से कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ वही कौम परवाज कर सकती है जो आजाद हो, बरतानिया की गुलामी से निकल कर अमरीका की गुलामी में चले गए। अपने खिलाफ फैसले पर फवाद चौधरी अदलिया पर चढ़ दौड़े, बोले एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं, ये नहीं हो सकता जजेस और जर्नैल बंद कमरों में हर दिन अलग फैसला करें, सियासी फैसले करने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये तारीख बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है, अदालती फैसले को पार्लियामेंट में खत्म करा देंगे, जजेस आइन तोड़ें तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए। हुकूमत ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया, राणा सनाउल्ला कहते हैं कि हुकूमत कार्रवाई की पाबंद है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, स्पीकर भी रेफरेंस भेजने के पाबंद है, आइन तोड़ने की सजा पर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं। वजीरे कानून आजम नजीर तारर बोले कि बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया, अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया, उजरत में समलियां तोड़ने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, इमरान खान ने फिर इल्जामात लगा दिए, बोले सिकंदर सुल्तान राजा हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो, जवाब दो तुम मरियम और हमजा के कदमों में कितनी बार बैठते हो, सिकंदर सुल्तान राजा कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से इमरान खान की हालिया तकरीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब के 20 हलकों में पुरअमन इंतखाबात के लिए अफसरान को हिदायत जारी कर दी, एलामिया में कहा गया किसी शख्स उम्मीदवार या पार्टी का रुकन को असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं, हालात खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए, शरपसंदों से मुतालिक सिक्योरिटी इदारों को मुतला किया जाए। वजीर दाखिला ने पुरअमन इंतखाबात के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। PTI वाले चंद रोज पहले मिस्टर एक्स के पास गए थे, पंजाब का जिमनी इंतखाब जितवाने की दरख्वास्त की थी, मिस्टर एक्स के इनकार पर उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया। नून लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर का इंकशाफ, PTI पर तंज किया कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। मारूफ सहाफी सलीम साफी ने ख्वाजा इमरान नजीर की बात की तस्दीक कर दी, कहते हैं कि इमरान खान ने साबिक खातून वजीर को मिस्टर एक्स की मिन्नतें करने भेजा था, मिन्नतें करने का मकसद ये था कि वो पंजाब में सीटें जितवा दें, मिस्टर एक्स ने माजरत की तो इमरान खान ने खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत का तैयबा गुलकर इल्जामात पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला, कमीशन तैयबा गुलकर इल्जामात और शवाहिद की तहकीकात करेगा, PM हाउस में यरगमाल बनाने और हिरासा करने की तहकीकात होंगी, साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से हिरासगी के मामलात की भी इंक्वायरी की जाएगी।
कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। नशेबी इलाके डूब गए, शहराहें भी पानी पानी। गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, ननकाना साहब में अबरे करम खुलकर बरसा। सराय आलमगीर और गोजर खान में तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी।